मंत्री जी, हम सीबीआई से आए हैं, हमें आपके घर की तलाशी लेनी। दोस्तों, इंडियन फिल्मों में हम ईडी, सीबीआई, रॉ जैसी बहुत सारी खुफिया एजेंसी के नाम सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसी भी खुफिया एजेंसी है जो इनसे भी बड़ी है और वो इन एजेंसीज पे भी नजर रखती है। यहाँ तक कि ईडी, सीबीआई और रॉ जैसी एजेंसीज के भी ऑफिसर इस एजेंसी से डरते हैं। लोग अक्सर सरकार से डिमांड करते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, जैसे मनीष सिसोदिया पर ईडी ने छापा मार दिया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हम सुनते रहते हैं, तो आज हम जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी खुफिया एजेंसीज हैं और उनके कौन कौन से काम हैं और किस एजेंसी को कितनी ज्यादा पावर दी गई है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखो, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एक ऐसी एजेंसी है जो कि हमारे देश में टैक्स खोरों के लिए बनाई गई है। यानी अगर कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई बिजनेसमैन टैक्स बचाकर अगर जो अपना कंस्ट्रक्शन या कोई भी एक्टिविटी करता है तो उस पे ईडी छापा मार सकती है। यानी कि फाइनेंस के मामले में जो भी घोटाला होगा उस पे ईडी छापा मारेगी। अब इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने 10 करोड़ रुपए का एक साल में प्रॉफिट कमाया। अब उसने कमाए तो ये 20 करोड़ लीगल तरीके से हैं, लेकिन वो सरकार को टैक्स पे करना नहीं चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, बिना सरकार को टैक्स पे करे ही एक पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देता है। तो उस पे इनकम टैक्स वाले खुद से रेड मार सकते हैं या वो ईडी को बोल सकते हैं उस पे छापा मारने के लिए। इसके बाद आती है सेंट्रल ब्यूरो इंटेलिजेंस यानी कि सीबीआई। देखो, जो सीबीआई है वो हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और इसकी स्थापना देश विदेश में होने वाले क्राइम्स को रोकने के लिए 1963 में हुई थी। देखो, सीबीआई का मेन काम है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हो या नेशनल लेवल के, जितने भी बड़े क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको सीबीआई ही सॉल्व करती है और सीबीआई को सिर्फ किसी भी मामले को जांच करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे सकता है। अब इसके बाद आती है सीआईडी यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। देखो, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है ये किसी पार्टिकुलर स्टेट की होती है, इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब देखो, किसी भी पार्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अगर जो चाहती है तो वो अपने स्टेट के किसी भी क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए सीआईडी को ऑर्डर दे सकती है और सीआईडी को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट ही आदेश दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो सीबीआई है वो पूरे देश के लिए काम करती है, वहीं सीआईडी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आकर किसी छोटे मोटे क्राइम जैसे कि एक्सटॉर्शन, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरीके के क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करती है। अब इसके बाद आती है आईबी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये हमारे देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी में से एक है। इसकी स्थापना जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय 1887 में की गई थी और आईबी का मेन काम है हमारे देश के अंदर की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना और सरकार को प्रोवाइड करना और उस खुफिया जानकारी के आधार पे हमारे देश के अंदर कोई भी अगर जो घटना होने वाली है तो उसको सॉल्व करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट होने की संभावना है, सिर्फ संभावना है, तो हमारी आईबी का मेन काम रहेगा कि कहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है उसकी जानकारी इकट्ठा करना। यानी कि आईबी का मेन काम है आतंकवादी या सुरक्षा संबंधी जितनी भी घटनाएं होने वाली होती है उनसे पहले की जानकारी को इकट्ठा करना। इसके बाद आती है रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब देखो, जैसे हमारी आईबी हमारे देश की इंटरनल खुफिया जानकारी इकट्ठा करके हमारी सरकार को देती है, वहीं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारे देश की एक्सटर्नल खुफिया जानकारी को इकट्ठा करके देती है। देखो, 1962 के इंडिया चाइना वॉर में जब हमारा देश हार गया तो उसके बाद हमारे देश को एक ऐसी खुफिया एजेंसी की जरूरत पड़ी जो हमारे देश के बाहर की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करे और सरकार को प्रोवाइड करे। रॉ का मेन काम सिर्फ बाहर की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि बाहर कई सारे सीक्रेट ऑपरेशंस को भी अंजाम देना रहता है। विदेशों में भी रॉ के कई सारे सीक्रेट ऑपरेशंस चलते रहते हैं और देखो, जो रॉ का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अब इसके बाद आती है एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भी हमारे देश की काफी ज्यादा बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो देखो, 2008 में जब मुंबई में कई सारे आतंकवादी हमले हुए थे तो उसके बाद हमारे देश को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ी जो हमारे देश के अंदर हो चुकी घटनाओं की जांच कर सके। जैसे कि आईबी जो है वो हमारे देश में होने वाली घटनाओं से पहले की जानकारी इकट्ठी करती है, ठीक वैसे ही एनआईए है जो हमारे देश में घटना होने के बाद में जांच करती है। अब इसको भी आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आतंकवादी हमला होने की संभावना है तो आतंकवादी हमला होने वाला कहां पे है इसकी जांच करेगा आईबी और आतंकवादी हमला होने के बाद में क्यों और किसने करवाया और कितने लोगों की जान गई, कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी नष्ट हुई, इसकी जांच करेगा एनआईए। तो अभी आप समझ चुके होंगे एनआईए और आईबी के काम में कैसे डिफरेंस है। इसके बाद आता है एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। देखो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से आप समझ चुके होंगे कि नारकोटिक यानी कि ड्रग्स से रिलेटेड ये खुफिया एजेंसी है।
तो अगर जो कहीं पर ड्रग्स का हेर फेर हो रहा होता है या ड्रग्स रिलेटेड कोई भी घटना होती है तो उसकी जांच करेगा एनसीबी। और एनसीबी ने ज्यादातर रेड मारी है मुंबई में, जहां पे कई सारे ड्रग्स के मामले देखने को मिले हैं। इससे पहले हमारे देश में एनसीबी ने पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत सारे ड्रग्स के मामलों को पकड़ा है। और अब फाइनली आता है सीबीसी, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखो जो सीबीसी है वो हमारे देश की सबसे पॉपुलर एजेंसीज में से एक तो नहीं है, लेकिन हमारे देश की सबसे पावरफुल एजेंसीज में से एक जरूर है, क्योंकि ये एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे देश की सभी एजेंसीज पे भी नजर रखती है। यानी कि सीबीसी हमारे देश के लिए सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करती है। अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 20 करोड़ रुपए के किसी आदमी ने बिना टैक्स पे किए ही एक प्रॉपर्टी बना डाली। अब जब ईडी को पता चलता है कि उस आदमी ने टैक्स ही नहीं पे किया तो वो रेड मारने जाएगी, और ईडी के रेड मारने के समय ईडी के ही ऑफिसर्स उस बिजनेसमैन से निगोशिएट करके 1 करोड़ में अपनी डील फाइनल कर ले और उस बिजनेसमैन को छोड़ दे। तो इस तरीके से हमारे देश में तो करप्शन कम होगा ही नहीं, यानी कि ईडी वाले खुद ही करप्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे देश में बनाई गई है सीबीसी। यानी कि जो सीबीसी है वो हमारे देश के अंदर जितने भी पावरफुल एजेंसीज हैं या जितने भी पावरफुल ऑफिसर्स हैं उन पर नजर रखती है। और अगर आप किसी पावरफुल ऑफिसर को खुले आम घूस देते हैं तो वो शायद खुले आम घूस इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो सीबीसी से डरता है, और शायद घूस लेगा भी तो वो एक साइड में बुलाकर आपसे लेगा। तो दोस्तों उम्मीद है हमारे देश में जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उनके बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।